आप आप सब? बहुत अच्छे हैं। तो अभी जो आप देख पा रहे हो प्रीव्यू में वीडियो देखे ये वीडियो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल है आपको पता ही है तो अगर आपको भी कुछ इसी तरह वीडियो बनाना है जो कि है एक अफ्रीकन बॉय है और यहाँ पर आप दो प्रव्यू देखें एक लिरिक्स यानी कि लिरिकल वीडियो यानी कि कू कू लिरिक्स की तरह मतलब लिख लिखा उठेगा और एक पर वो बॉय अफ्रीकन बॉय रहेगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जैसा बनाना चाहते हैं तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को क्लिक करो वीडियो को लाइक करो फटाफट तो चलो आज का जो वीडियो एडिटिंग है इसे स्टार्ट करते हैं ऑल राइट गाइस सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा फटाफट ये वाला अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो अब गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है जस्ट वीडियो के साथ बने रहें अभी तक वीडियो को लाइक like नहीं किया तो कर दो और यहाँ पर आपको दो प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा एक पर रहेगा आपका इफेक्ट्स यानी कि जो फोटोज है उसके अंदर इफेक्ट्स रहेंगे तो आपको इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है और एक पर रहेगा आपका ऑडियो और उसके अकॉर्डिंग जो बीट्स सब आ रहा है मार्क तो यहाँ पर आपको बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है इस तरह तो यहाँ पर प्रोजेक्ट पे वो सब देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ अब आप प्लस पे क्लिक करें मीडिया को ऑप्शन पे क्लिक करें और आप ये वायरल वॉय इसका जो है इसका आवाज़ भी यूज कर सकते हैं देन थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कॉम्पोजिशन एरिया पर क्लिक करें तो आप इसका भी आवाज़ यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो वरना आप यहाँ पर लिरिक्स वीडियो भी इम्पोर्ट कर सकते हैं तो ये है। इसका को आप जीरो कर दें इस तरह तो यहाँ पर लिरिक्स वीडियो और अगर आप चाहते हो अफ्रीकन बॉय वाला इंपोर्ट करना तो आप वो भी कर सकते हैं तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पर मैं अफ्रीकन बॉय वाला इंपोर्ट करता हूँ या लिरिक्स जो भी रहे सही है अब यहाँ पर जो आपका पहला मार्क आ रहा है थ्री सेकेंड पर इस टाइम पर आना है प्लस पे क्लिक करना है मीडिया ऑप्शन पर जाना है और आपका जो भी इमेजेस है आप अपना उस इमेजेस सबको यहाँ पर चूज करें तो यहाँ पर आपका जितना सारा इमेजेस है तो यहां पर मैं कुछ इमेजेस सबको इम्पोर्ट कर लेता हूँ जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं ये वाला तो ये इमेज को मैं इम्पोर्ट कर लिया अब सॉरी इसे मैं इंपोर्ट नहीं करता हूँ इसे मैं ये वाला फोटो को इम्पोर्ट करता हूँ देन थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल फिलकोम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करें अब यहाँ पर प्ले का ऑप्शन है उसके बाजू पे राइट तरफ एक एरो है इस पर क्लिक करें और ये वाला आइकन पे क्लिक करें अभी देखिए इस मार्क से इस मार्क तक एक फ़ोटो अब इस मार्क से आपको नया फोटो को इम्पोर्ट करना है तो मार्क तक आप एरो पर क्लिक करके ईजीली पहुँच पाओगे जिस जिधर जो मार्क पर जाना है अब प्लस पे क्लिक करें मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करें और आपका जो भी इमेज है उसके बाद आप उसे चूज करें देन थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक करें देन एरो पे क्लिक करें जो राइट right तरफ है और ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दें तो अभी आप देखें एक मार्क से एक मार्क तक एक फोटो इंपोर्ट करें प्लस पे क्लिक करें मीडिया को ऑप्शन पे क्लिक करें जो भी आपकी इमेज है उससे चूज करें थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल फिलकम्पोजिशन एरिया देन एरो पे क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट कट तो मैं फोटो सबको इंपोर्ट कर लेता हूँ इस तरह फिर मैं आप सभी को दिखाता हूँ बट यहाँ पर डबल बिट मार्क का आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको दो फोटो इंपोर्ट नहीं करना है आपको जो स्टार्टिंग वाला बिट मार्क है वहाँ पर फोटो को इंपोर्ट करना है इस तरह जैसे कि मैं दिखाता हूँ और जितना दूर एंड हो रहा है उतना दूर रखें और इसे मैं इस तरह इस कॉर्नर पर क्लिक करके फुल कर लेता हूँ तो अभी आप देखें डबल बिट मार्क एक साइन है ना कि आपको वहाँ पर दो फोटो इम्पोर्ट करना है तो इस तरह आपको डबल बिट मार्क दो जगह देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पर देख लें ध्यान से तो इस तरह मैं फोटो सबक इम्पोर्ट कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ ऑलराइट गाइज यहाँ पर मैं फोटो सबको इम्पोर्ट कर चुका हूँ आपको भी कुछ इसी तरह कर लेना है अब यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना है एंड पे जो इमेज देखने को मिलेगा उस पर क्लिक करना है यहाँ पर चार इमेजेस है एक दो तीन चार तो एंड वाला को क्लिक करना है इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाना है थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स करना है इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और यहाँ पर गाइज आपको जहाँ पर टेन सेकेंड पर आना है जो कि है आपको 10.24 पॉइंट सेकेंड पर तो ये वाला इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट्स पेस्ट कर दिए अब जहाँ पर डबल बिट मार्क है यानी कि आपको यहाँ पर साइन है अब फिर से डबल बिट मार्क आ रहा है 14 सेकंड पर तो आपको यहाँ पर क्लिक करना ये इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट अब इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना है लास्ट वाला जैसे कि फोर्थ नंबर वाला था अब थर्ड नंबर वाला इमेज पे क्लिक करना है इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाना है थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स करना है और यहाँ पर फिर से आपको बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर आना है अब यहाँ पर गाइस आपको टेंथ सेकंड पर आना है जहाँ पर आपका डबल बिटमार्क था तो इस टाइम पर मैं आया उसके बाद जो आठ इमेजेस है उस इमेज पर आपको ये वाला इफेक्ट्स को जस्ट पेस्ट करना है जस्ट आपको इमेज पर क्लिक करना है इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाना है थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट आपको सिंपली इसी तरह करना है फ़ोटो पे क्लिक करके पेस्ट करना है तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो यहाँ पर ये आठ इमेजेस पे आपको उसके बाद पेस्ट करना है तो जस्ट मैं पेस्ट कर देता हूँ जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो अब यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है फिर से आपको सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना है तो ये वाला हो चुका है ये वाला भी हो चुका अब ये ये बाकी है तो आपको अब आप सेकेंड वाला नहीं आपको फर्स्ट वाला फोटो पे क्लिक करना है इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाना है थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स करना है अब इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है और आपको यहाँ पर फिर से सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना है और यहाँ पर उसके बाद आपका जो पहला फोटो है उस पर पे पेस्ट करना है फिर नेक्स्ट वाला जो फोटो है उस पर पेस्ट करना है फिर से जो नेक्स्ट फोटो है उस पर आपको यहाँ पर पेस्ट करना है यानी कि एक दो तीन अब तीन फ़ोटोज़ गैप देना है एक दो तीन अब फिर से तीन फ़ोटोज़ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ये तीन फ़ोटोज सब पे जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो फिर से तीन फ़ोटोज़ पे गैप देना है एक दो तीन फिर से तीन फ़ोटोज़ पे आपको यहाँ पर पेस्ट करना है तो जैसे कि मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर इस तरह आपको जस्ट पेस्ट करना है फिर से ये फ़ोटोज़ पर इफ़ेक्ट्स आ चुका अब जैसे कि ये अब फिर से आपको ये वाला फोटोज पे इफेक्ट्स को पेस्ट करना है तीन फोटोज़ पे तो यहां पर मैं पेस्ट कर दिया अब इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाए सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो सेकंड वाला है उस पर क्लिक करें सेकंड वाला इमेज देन इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाएँ थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स करें अब फिर से आपको बिटमार्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना है और जहां जहां पर इफेक्ट्स पेस्ट नहीं किए जो कि तीन गैप फोटोज पे वो सब पे अब आपको यहाँ पर इफेक्ट्स को पेस्ट करना है तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो जस्ट इमेज पे क्लिक करके इफेक्ट्स को पेस्ट कर दें इजीली हो जाएगा अब इस ये सब पे ये तीन फोटोज़ मतलब यानी कि ये तीन गैप फोटोज़ पे भी फिर से पेस्ट करना है तो यहाँ पर ये तीन फ़ोटोज़ गैप फोटोज़ पे किया अब यहाँ पर एंड पे आपको आना है तो एंड पे जो जैसे कि इस पर है एंड का जो आपका तीन फ़ोटोज़ है उसके बाद उस पर अब पेस्ट करना है तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ अब गाइज आपको क्या करना है एक पार्टिकल वीडियो को इम्पोर्ट करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको आप यहाँ से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं वो पार्टिकल वीडियो वरना आप जहाँ से आपको फोटोज़ है वहाँ से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं तो प्लस पे क्लिक करें मीडिया का ऑप्शन पे क्लिक करें मैं उसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर गाइज़ आप कोई सा भी इम्पोर्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ देन ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाएँ लाइटन पे क्लिक कर स्क्रीन कर दें तो यहाँ पर जैसे कि मैं ये वाला इम्पोर्ट किया आपको ऊपर डिपेंड करता है जो पसंद आप वो इम्पोर्ट करें एक्स्ट्रा पार्ट कट कर, कर दें, उसके बाद शेयर को ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लें आई होप गैस आपको यह वीडियो देखकर पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें